नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के प्रसारण में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं, जो कि उसको ठीक करने में आपकी बहुत मदद करेंगी। साथियों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से ये जो गर्दन का दर्द होता है, इसे लगभग हम सब कभी ना कभी जूझते हैं। जब ज़्यादा काम कर लेते हैं, जब ज़्यादा स्ट्रेन पड़ जाता है, तो हम लोग को कभी ना कभी गर्दन में दर्द होता है और हम लोग उसको कारण परेशान होते हैं। आज हम आपको बताएंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के बारे में, जो इसको जड़ से ठीक कर देंगी। एक बात मैं प्रसारण से पहले कह देना चाहता हूँ, यह जो दवाएं हम आपके सामने रख रहे हैं, यह एजुकेशन पर्पस के लिए हैं, होम्योपैथी को स्प्रेड करने के पर्पस से हैं और अवेयरनेस के पर्पस से हैं। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से, बिना डॉक्टर की सलाह के उसे प्रिस्क्राइब करे बिना ना ले, डॉक्टर की सलाह दवा लेने से पहले ज़रूर लें। साथियों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस साथियों, ये जो हम लोग की गर्दन की हड्डी होती है, इसकी सूजन को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। यह एक तरह का आर्थराइटिस ही होता है, एक तरह की गठिया होती है, क्योंकि ये सर्वाइकल वर्टिब्री में होती है, 7 वर्टिब्री होती है हम लोग की गर्दन में, इनके बीच में सूजन आ जाती है, तो इसको हम लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहने लगते हैं। इससे हमारे नेक मसल्स में पेन, हाथों में नमनेस, पीठ तक दर्द और किन्हीं केस में सर तक दर्द हो सकता है, और इससे माइग्रेन भी ट्रिगर हो सकता है। साथियों, अब आते हैं हम लोग इसके कारणों पे। इसके तमाम कारण होते हैं। ओवर स्ट्रेनिंग एक सबसे बड़ा कारण है। जब भी हम गर्दन की हड्डी की ओवर स्ट्रेनिंग करते हैं, जब ये लंबे वक्त तक करते रहते हैं, तो हमारे यहाँ स्वेलिंग आ जाती है कार्टिलेज के वर्टिब्री के बीच में, यह जो है हम लोग को दिक्कत करती है। इसके अलावा तमाम बीमारियां होती हैं जिसमें कि यह दिक्कत हो जाती है। इंजरी से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ट्रोमेटिक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। साथियों, अब हम आते हैं इसकी 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। हमने इसको आपका स्टिफनेस के तौर पे, नमनेस के, सुनपन के तौर पे, पेन के तौर पे, पेन इन हेड के तौर पे, चक्कर आने के, इन सब में इसको बाइफरकेट कर दिया है, ताकि हम लोग अपनी विशेष परिस्थिति के हिसाब से अपनी दवा को ढूंढ पाएँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं होम्योपैथी की नंबर वन दवा की, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए सबसे कारगर दवा है, चाहे कहीं भी दर्द हो रहा हो। तो साथियों, नंबर एक दवा जो स्पॉन्डिलाइटिस की, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की है, वह है रस्टॉक्स। जब भी आपके गर्दन में दर्द हो रहा हो, जो कि आप सुबह उठते हैं तो वह ज़्यादा होता हो, और फिर वक्त करने के साथ वो थोड़ा ठीक महसूस करने लगते हो, मूवमेंट से आपके दर्द में आराम मिलता हो, अगर यह स्थिति आपकी बने, तो इसकी दवा साथियों रस्टॉक्स है। रस्टॉक्स 1000 पावर आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लीजिए, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेन में काफ़ी हद तक आराम मिल जाएगा, आप काफ़ी राहत पा जाएंगे। साथियों, अब हम लोग दूसरी स्थिति की तरफ आते हैं, जब आपकी गर्दन में स्टिफनेस आ गई हो, तनाव आ गया हो, एक खिंचाव ऐसा महसूस हो रहा हो, मूवमेंट ना हो रहा हो, इसके लिए 3 बहुत कारगर दवाएँ होम्योपैथी में साथियों, सिमिसिफूगा, ग्वाइकम और कालमिया। तो यह दवा आप ले के आप आराम पा सकते हैं। अगर साथियों आपके नेक मसल्स तक पेन आ रहा है, आपके ये स्टिफनेस है, या सुबह की स्टिफनेस जो है, या नेक मसल्स तक पेन आ रहा है, तो आपकी दवा सिमिसिफ्यूगा है। सिमिसिफ्यूगा 200 पावर में आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले ले, तो आपकी मॉर्निंग स्टिफनेस है नेक में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण, और वो नेक मसल्स तक आ रही है, तो वह ठीक हो जाएगी। दूसरी दवा साथियों इसकी ग्वाइकम है। ग्वाइकम 200 आप ग्वाइकम का मदर इंटरवल की आप 10-10 बूंद सुबह शाम यदि ले लेते हैं, तो आपका जो नेक मसल्स का पेन है, स्टिफनेस है, यह चली जाएगी। और तीसरी दवा साथियों उसकी लैक्नेंथस है। लैक्नेंथस 30 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार यदि ले लेते हैं, तो भी आपका जो नेक की स्टिफनेस है वह ख़त्म हो जाएगी, जो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण होती है। फिर साथियों एक और स्थिति आती है तीसरी, जबकि हमारे हाथों में नमनेस आ जाती है, सुन्नपन महसूस होने लगता है, यहाँ पे हमारे नसें दबती हैं, नर्व कंप्रेशन होता है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, और हमारे हाथों में नमनेस आने लगती है, उंगलियों में और आर्म्स में नमनेस आने लगती है। अगर यह साथियों स्थिति हो आपकी, तो इसके लिए बहुत अच्छी दवा है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम 30 आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम ले लें, और साथ में आप प्लम्बम मेट 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, यह दो दवा का आप कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, तो आपके जो नेक मसल से पेन जो है हाथ तक आ रहा है, वह आपका नमनेस वो ख़त्म हो जाएगी।
साथियों एक और स्थिति आती है, साथियों एक स्थिति आती है जब हम लोग की नेक में पेन हो रहा होता है, जब आपकी नेक में बहुत पेन हो रहा हो और आप इससे परेशान हो रहा हो, इसके लिए दो कारगर होम्योपैथिक दवाएं साथियों। पहली दवा है रस्टॉक्स, रस्टॉक्स 1 ml, दो दो बूंद आप दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम ले लें जुबान पे, आपका जो नेक में पेन हो रहा है वह ख़त्म हो जाएगा। दूसरी दवा इसकी ब्राइनिया है, ब्राइनिया 30 दो दो बूंद आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। दोनों दवाओं में फ़र्क ये है कि रस्टॉक्स तब बहुत कारगर होती है जब आपको चलने से या थोड़ी देर वर्क करने से तकलीफ में आराम मिलता है, और ब्राइनिया उस स्थिति में कारगर होती है जब आपको थोड़ी देर काम करने से तकलीफ बढ़ती है। तो आपको इन दोनों स्थितियों में से दो जो भी स्थिति हो आप उसके हिसाब से दवा ले सकते हैं। एक स्थिति साथी वो आती है जब हमारे नेक में पेन हो रहा हो और उसका पेन हमारे शोल्डर और आर्म्स और पूरे अपर लिम में अपर लिम्स में पूरा पेन हो रहा हो, नेक से पेन उठाओ वो पूरे लिम्स में हो रहा हो। यदि साथियों ये स्थिति आपके सामने आती है तो इसकी बहुत अच्छी दवा कालमिया है। आप कालमिया 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें सुबह दोपहर शाम ले लें, तो जो आपकी यह पेन की स्थिति है यह ख़त्म हो जाएगी और आपको आराम मिल जाएगा। जो आपके पूरा रेडिएट कर रहा है पेन शोल्डर तक के वहाँ नहीं होगा और आप आराम पा जाएंगे। एक स्थिति साथियों आती है जब यह पेन आपके हेड की तरफ पेन ऊपर की तरफ जा रहा हो, अगर आपके नेक में पेन हो रहा है वह ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके लिए होम्योपैथी में दो बहुत कारगर दवा है। पहली दवा है साथियों जलसीमियम, जलसीमियम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले लें जब आपको वीकनेस आ रही हो, कमज़ोरी आ रही हो, चक्कर आ रहे हो और यह पेन आपका ऊपर की तरफ जा रहा हो, पेन आपके हेड की तरफ जा रहा हो। दूसरी दवा साथियों इसी सिलसिले की है हाइपेरिकम, हाइपेरिकम 30 दो दो बूंद आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, और अगर इंटेंस हेडेक आपके हो रहा हो ड्यू टू नेक पेन तो आप बेलेडोना 200 भी दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। फिर साथियों एक और स्थिति आती है कि आपके स्पॉन्डलाइटिस का पेन हो रहा है, नेक में पेन हो रहा है, उससे आपके आधे सर का दर्द शुरू हो गया, माइग्रेन शुरू हो गया, तो यदि माइग्रेन ड्यू टू सर्वाइकल स्पॉन्डलाइटिस हो, माइग्रेन सर्वाइकल स्पॉन्डलाइटिस के कारण हो, तो इसकी बहुत अच्छी दवा स्पाइजीलिया है। स्पाइजीलिया 30 दो दो बूंद आप दिन में 3 बार ले लें, इससे आपका नेक पेन के कारण होने वाला माइग्रेन, आधे सर का दर्द जो कि कभी कभी पूरे सर में भी माइग्रेन होता है, वह ठीक हो जाएगा। और इसकी दूसरी दवा साथियों है ऑनोस्मोडियम, ऑनोस्मोडियम 30 यह दवा भी आप दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें तो आप इसमें लाभ पा जाएंगे। साथियों एक और स्थिति आती है जब आपके चक्कर आ रहा हो, यहाँ पे आपके नेक में बहुत पेन हो, सर्वाइकल स्पॉन्डलाइटिस हो गया और आपको वर्टाइगो हो रहा हो, चक्कर आ रहा हो, तो वर्टाइगो रोकने के लिए आप क्या करें? वर्टाइगो रोकने के लिए होम्योपैथी में दो बहुत कारगर दवा है। पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट दवा है कोक्युलस, कोक्युलस 200 आप दो दो बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम आप ले सकते हैं। इससे आपको जो वर्टाइगो होता है, जो चक्कर होता है ड्यू टू सर्वाइकल स्पॉन्डलाइटिस, वह ख़त्म हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। और इसी श्रृंखला की दूसरी दवा है जलसीमियम, जलसीमियम 30 दो दो बूंद आप दिन में 3 बार ले लें, इससे भी आपको लाभ मिल जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। साथियों एक और स्थिति आती है कि हमको चोट लग गई हो गर्दन में और उसके कारण हमारे पेन शुरू हो गया हो, तो इसकी 3 बहुत अच्छी दवाएं साथियों। पहली दवा है आर्निका 1 ml, दूसरी दवा है बेलेडोना 1 ml और तीसरी दवा है रस्टॉक्स 1 ml। आप ये तीनों दवा आर्निका 1 ml, रस्टॉक्स 1 ml, बेलेडोना 1 ml, ये तीनों दवा आप दो दो बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम जो है जुबान पर डाल लें, आपको जो है बहुत फ़ायदा हो जाएगा और आपके जो इसका दमनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, आप फ़ायदा पा जाएंगे। साथियों जाते जाते हम आपको 2 बड़े अच्छे घरेलू उपाय भी बताएंगे। यदि आपके सर्वाइकल स्पॉन्डलाइटिस है तो आप खाने में अखरोट या वॉलनट लेना शुरू कर दीजिए। अखरोट या वॉलनट लेने से आपका जो गर्दन का दर्द है उसमें बहुत आराम मिलता है और सर्वाइकल स्पॉन्डलाइटिस ठीक होने में मदद मिलती है। दूसरी जो आप उपाय कर सकते हैं वो हरड़, जो बड़ी हरड़ आती है उसको सुबह भिगो दें रोज एक और रात में उसको खा लें। इस घरेलू नुस्खे से भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डलाइटिस में बहुत आराम मिलेगा। यह कुछ दवाएं थी
जो आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में थी। मैं फिर कहूँगा यह एजुकेशनल बेसिस का प्रोग्राम है, सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए और डॉक्टर्स को एजुकेट करने के लिए कि सही दवा के चुनाव में कुछ वो हेल्प हो जाए, इसके लिए यह प्रोग्राम है। आप बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा ना लें, क्योंकि पेन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी बहुत कारणों से हो सकता है। एक इस प्रोग्राम में सारे कारणों को चर्चा करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए किसी कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करके ही दवा लें। दवाएँ इससे भिन्न भी हो सकती हैं, हर डॉक्टर की अपनी एक राय होती है। साथियों कुछ दवाएँ थी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में लाभ देने के लिए और आप इन दवाओं की जानकारी देने के लिए। साथियों, यदि आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को लेके, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 पर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमें खुशी होगी आपकी बात का मैं जवाब दे पाऊँ। और यदि आप चाहें तो यूट्यूब में जो कमेंट पोर्शन है उसमें भी आप अपने क्वेश्चन को लिख के हमको बता सकते हैं, हमें बहुत खुशी होगी आपको उसका जवाब देने में। साथियों, यह एक प्रयास था हमारी तरफ से। अगर आपको प्रयास फिर पसंद आया हो तो फिर मैं आपसे कहूँगा, इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबा दें ताकि आगे के वीडियो भी आपको इसी तरह मिलते रहें। धन्यवाद।